आसमान पर अजीबोगरीब मनाजे, सूरज के गिर्द रंगीन हाला बन गया। शहर कायद में आज सूरज के गिर्द हाला बन गया है, जिसके मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि सूरज के गिर्द हाला मौसम में आने वाली तब्दीली की नवीद सुनाता है। सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सन हेलो कहा जाता है। सन हेलो माहौल में मौजूद बर्फ की क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन का कहना है कि कराची में कल से समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है। चंद हफ्ते कराची में मौसम बेहतर रहेगा। इसके अलावा मुल्क के बेशतर मुकामात पर मार्च अप्रैल मई में मामूल से ज़ायद दर्जे हरारत रहने का इम्कान है। मार्च और अप्रैल में मगरबी हवाओं के दो दो सिस्टम्स मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। मुल्क में मगरबी हवाओं के सिस्टम्स आने से पहले दर्जे हरारत ज्यादा रहेगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुसन है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती, ये जो डाकू मुसलत किए गए हैं इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।